गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का जो टॉपिक है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। कल हमने बात की थी कि जो जल धार वायु की जो धाराएं हैं उनके उत्पन्न होने का क्या कारण है। वायु की जो तेज, अगर हम बात करें पवन की गति की, तो इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो कल हमने पढ़ा कि पृथ्वी के विभिन्न भागों का असमान रूप से गर्म होना, जिसमें हमने ध्रुवीय प्रदेश और भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके आसपास का तापमान हमने बात की थी। भूमध्य रेखा के आसपास का तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तापमान बहुत कम होता है। तो जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी और ठंडे स्थानों से वायु गर्म स्थानों की ओर आएगी। आज हम बात करते हैं जो वायु की धाराएँ हैं इनके उत्पन्न होने का एक और कारण, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। देखिए, हम अगर जल की बात करें तो जल बहुत देरी से गर्म होता है और ठंडा भी देरी से होता है, और मिट्टी जो होती है उसकी विशेषता ये होती है कि वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। तो जल और जो थल भाग है यानी ज़मीन है मिट्टी, इनका असमान रूप से गर्म होना भी वायु की जो धाराएँ उत्पन्न होती हैं उनका एक मुख्य कारण है। गर्मियों में थलीय क्षेत्र में अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहता है। देखो, गर्मियों के अंदर लोग क्या करते हैं, समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं। तो होता क्या है, दिन के समय मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होकर उसके ऊपर का जो उस मिट्टी के ऊपर की जो वायु है वो जल्दी गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है, और समुद्री जो एरिया हैं वहाँ से ठंडी वायु स्थल भाग की ओर आती है। इससे ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल भाग की ओर आती हैं, तो गर्मियों में लोग सैर सपाटे के लिए समुद्रों के किनारे बीच पे जाते हैं। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसे पवन समुद्र से थल की ओर बहती हैं। यह मानसूनी पवन होती हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाऊंगी मैं। अब मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रखा है थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा में मानसून निर्मित होता है। ये मानसून पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आते हैं। देखिए, यहाँ पे दिखा रखा होगा, आपको दिखा रखा है ये जो ग्रीन एरिया है वो स्थल भाग को शो कर रहा है, बाकी ये समुद्र को शो कर रहा है, और समुद्रों से एरो की तरफ देखो, ज़मीन की तरफ जो ग्रीन एरिया है उसकी तरफ एरो बने हुए हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारी जलवाष्प ठंडी वायु स्थल भाग की ओर जा रही है। सेकंड में देखिए, शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण उत्तर पश्चिम की अपेक्षागत ठंडे स्थानों से आती हैं। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था इसके अंदर देखिए, यहाँ पे जो है जलवाष्प ग्रीन एरिया की तरफ जा रही है, और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जलवाष्प आ रही है उल्टी, वापस रिवर्स हो गई। वो शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। समुद्र में आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे बारिश होती है। और देखो, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में समुद्रों से जो वायु है वो आती है थल भाग की ओर, और वो अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे बारिश होती है। और सर्दियों में क्या हो जाता है, जो वायु का प्रवाह हो जाता है थल से जल की ओर, इसीलिए बारिश कम होती है, नहीं होती है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। देखिए, इसमें अगर हम जल चक्र की बात करें तो जो आगे आपका एक टॉपिक आएगा पूरा, जिसमें हम पूरे जल चक्र को समझेंगे। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे बारिश होती है। अगर हम चाहें तो इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये समुद्री एरिया है और ये भाग है स्थल भाग, ये है स्थल और ये है जलीय भाग, समुद्र है ये। तो होता क्या है, दिन के समय की अगर हम बात करें तो जो जल है वो लेट गर्म होता है, और जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। मिट्टी जल्दी गर्म होने से यहाँ की जो वायु है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब यहाँ वायुदाब हो गया कम और यहाँ वायुदाब है ज़्यादा, तो समुद्री इलाकों से जो वायु है वो स्थल भाग की ओर आती है और अपने साथ जलवाष्प लाती है।
और ये ठंडी हवा आती है स्थलभाग की ओर, इसीलिए लोग गर्मियों में समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाते हैं। और सर्दियों में क्या हो जाता है, सर्दियों में उल्टा हो जाता है, सर्दियों में स्थल भाग से वायु का प्रवाह होता है जल भाग की ओर, इसीलिए सर्दियों में बारिश बहुत कम या नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा का जो जल है इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे देश के जो किसान हैं वो खेती करने के लिए साल भर इंतज़ार करते हैं और बारिश के अंदर जो बारिश का जो जल होता है इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा के संबंध में अनेक कई सारे लोकगीत प्रचलित हैं, इनमें का कुछ कविताएं भी हैं जो कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ी भी होंगी। और एक ये जो कविता, उमड़ घुमड़ कर बादल आए आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर में हैं बनते बादल, सागर में हैं मिल जाते बादल। ये कविता जब आप छोटे थे तो आपकी बुक में आई होगी, आपने पढ़ी भी होंगी। तो जो बादल होते हैं वो क्या लाते हैं अपने साथ, जलवाष्प लाते हैं, इनसे बारिश होती है, मानसून को लाते हैं, बारिश की बूंदें इन्हीं बादलों से आती हैं, बिजली को चमकाते हैं बादल, और बारिश के कारण खेत लहराते हैं, और वापस सागर से ही बनते हैं बादल और वापस से सागर में ही मिल जाते हैं बादल। तो इस तरह से जो बादल होते हैं इनसे बारिश होती है। वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती, ध्यान रखें हम बारिश की बात कर रहे हैं, अब तक हमने बारिश के सारे अच्छे पहलुओं को पढ़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वर्षा जो है कभी हमेशा सुखदायी हो, कभी कभी यह प्रलय का भी रूप ले लेती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है और इनमें से कई सारी समस्याएं आपने अनुभव भी की होंगी, पढ़ी होंगी। हम इनकी अगर बात करें तो दो प्रमुख घटनाएं, एक तो तड़ित झंझा और एक चक्रवात, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, इसमें आपको बताना है पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी पे जो वायु का प्रवाह है उसका एक कारण तो हमने पढ़ लिया कि जो पृथ्वी है उसके असमान रूप से गर्म होना, उसका दूसरा कारण जल और थल का असमान रूप से गर्म होना। तो आपको यहाँ पे आज ये बताना है कि जल और थल दोनों असमान रूप से गर्म क्यों होते हैं। जल असमान रूप से गर्म क्यों होते हैं, मिट्टी क्या होती है जल्दी गर्म हो जाती है, पानी लेट से गर्म होता है, तो उनके तापमान में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दो आपका है, सर्दियों के अंदर जो वायु का प्रवाह है किस भाग से किस भाग की ओर होता है, यानी स्थल से जल होता है या जल से स्थल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्रीष्मकालीन जो वायु प्रवाह है उसको बताइए, गर्मियों के अंदर वायु का प्रवाह होता है जल से स्थल की ओर। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।